अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश का जो महोबा जिला है वहां से मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मतलब इसका मतलब इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? महोबा। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, महोबा। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इनका भी आप नाम जान लीजिए, हो सकता है कि ये भी एग्जाम में पूछ ले जाए। सबसे पहला यहां पे लिख देते हैं ऊपर, सबसे पहला है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भोनी डैम प्रोजेक्ट। पहला है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, दूसरा भोनी डैम प्रोजेक्ट और तीसरा मजगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट। और यहां पे लिख देता हूं, तीसरा है मजगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट और चौथा है रतौली वियर प्रोजेक्ट। तो ये चार प्रोजेक्ट आप याद रखेगा जिनका उद्घाटन अभी महोबा जिले से किया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखो आसपास के जो जिले हैं जैसे महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, इन सभी जिलों में जो 65,000 हेक्टेयर की जो लैंड है इसको इरिगेट करने में सहायता प्रदान होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, महोबा। अब बात हुई है यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। फिफ्थ पॉइंट, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय व्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया। हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में किया गया। सेवन पॉइंट, नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगर सोलर पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। एक काम करते हैं उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको अभी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो नेपाल के साथ एक अकेला देश है नेपाल जिसके साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लखनऊ कैपिटल है, 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। इलाहाबाद को अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है और राजेश बिंदल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में मैक्सिमम है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब बाउंड्री की बात करते हैं, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश इन 9 के साथ जिसमें एक यूटी है। यूटी कौन सा है? दिल्ली। और बाकी 8 राज्य हैं, तो टोटल मिलाकर हो गए 9, जिनके साथ उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 नवंबर 2021 को राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया है? तो देखो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, इन्होंने 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु स्टेट चाइल्ड पॉलिसी इसको लॉन्च किया है। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस पॉलिसी को न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर इन सभी को देखते हुए मतलब फोकस करते हुए इस नीति को तैयार किया गया है। बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का एक इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखेगा कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, केरल की बात करते हैं। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। अब तमिलनाडु की लोकेशन देखिए आप,
ये है तमिलनाडु की लोकेशन। ये देखिए आसपास के राज्यों की बात करें, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तीन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई कैपिटल है, 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, आर एन रवि राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है जिसे मद्रास हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अभी यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, नाम क्या है, एम दुराई स्वामी। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्जी नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क, ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। बात करते हैं अब लेक की। पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कोलावाई लेक, अम्बातूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानल्लूर लेक, ये सभी लेक ये भी तमिलनाडु में स्थित हैं। थर्ड क्वेश्चन, महिला उद्यमिता दिवस। महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ये कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 19 नवंबर। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, 11 नवंबर। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ये मनाया जाता है। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे ये मनाया जाता है। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे ये मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 19 नवंबर। फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में किस राज्य ने देश के पुलिस बलों में पहला स्थान प्राप्त किया है? अब रिसेंटली 29 स्टेट, जिसमें 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, देखो मैं बोल रहा हूँ 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब है स्टेट भी शामिल है और यूटी भी शामिल है। ऐसे टोटल 29 हैं जहां पे ये सर्वे किया गया और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ ये हुआ आंध्र प्रदेश को, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश सही आंसर है। अब पहला स्थान आंध्र प्रदेश को स्टार्ट हुआ, मतलब आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ। तो दूसरा स्थान दूसरे नंबर पर रहा तेलंगाना, तीसरे पर रहा आसाम और चौथे पर रहा केरल, और पांचवे पर कौन सा रहा, पांचवे पर रहा गुजरात। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। बताइए उत्तराखंड किस लिए न्यूज में था? भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड में बनेगा। गुजरात की बात करें, गुजरात का मतलब गुजरात में गांव है कुनरिया गांव, यहां पर बालिका पंचायत का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश सही आंसर है। लोकेशन देखिए, यह है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा और इधर छत्तीसगढ़, इन राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है, वे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हैदराबाद कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। YS जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। देखो कैपिटल तो इसकी हैदराबाद है, लेकिन इसने साउथ अफ्रीका का जो 3 कैपिटल वाला मॉडल है, मतलब वहां पे 3 कैपिटल है, इसी मॉडल को इसने मंजूरी दे दी है आंध्र प्रदेश ने। आने वाले टाइम में इसकी 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेंगी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है। अमरावती देश की लेटेस्ट और 25वीं हाईकोर्ट है। भारत में 25 हाईकोर्ट है, ये लेटेस्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलेरू लेक और कुंभम लेक तीनों लेक आंध्र प्रदेश में है। नेशनल पार्क की बात करें, पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री साइलाम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोला पल्लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने 19 नवंबर 2021 को किस शहर के एक सरकारी अस्पताल में भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया? आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, चेन्नई। और तमिलनाडु के बारे में अभी हम कवर कर चुके हैं। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थीम क्या है 2021 की, अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। फिर से बोलता हूँ, अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये थीम है 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 17 नवंबर को किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया? तो नोएडा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 7th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, नोएडा। और फर्स्ट क्वेश्चन में हम उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक डिटेल कवर कर चुके हैं। ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। 7 पदक भारत ने जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, बचे हुए 4 सिल्वर हैं और 2 कौन से हैं,
दो ब्रॉन्ज है। तो सात यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वियना पुरुष ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 ये किसने जीता? ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, यानी नाइन्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। टेंथ क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, इंदिरा गांधी। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म किस देश में एक गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगा? तेलंगाना सही आंसर है। विश्व अग्रणित कैंसर दिवस हर साल कब मनाया, हर साल नवंबर के किस गुरुवार को मनाया जाता है? थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी प्रमुख को 18 नवंबर 2022 तक एक वर्ष का विस्तार मिला है। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? संजय कुमार मिश्रा सही आंसर है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट और सेकंड को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? 2022 सही आंसर है। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक भारत किस स्थान पर है इस इंडेक्स में? 82 सही आंसर है। हाल ही में किस दिन भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 16 नवंबर सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला किसने रखी? थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य के आदिवासी जिले डोंग का नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? फोर्थ क्वेश्चन, 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक की कौन सी जयंती मनाई गई? फिफ्थ क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष पूरे देश में कब मनाई जाती है? महाराष्ट्र सरकार ने किसे कोविड वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।